हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपकमिंग आईपीओस के बारे में। अक्टूबर 2021 के अंदर कितने आईपीओस आपको यहां पे आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर 30,000 करोड़ के आईपीओस आएंगे, जो टोटल 17 आईपीओस आपको अक्टूबर 2021 में खुलते हुए देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कितने आईपीओज आने वाले, कौन कौन से आईपीओज आने वाले, किन किन के अंदर बढ़िया पैसा बन सकता है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर आप देखिएगा। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, लिस्ट ऑफ अपकमिंग आईपीओज इन अक्टूबर 2021, कौन कौन से देखिए आईपीओज आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कंपनी का नाम निकल के आ रहा है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कंपनी का नाम है एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स। करीबन 4,500 करोड़ रुपए का ये आईपीओ आपको होता हुआ देखने को मिल सकता है, और अक्टूबर 21 में ही खुलेगा। यानी डेट्स अभी तक स्पेसिफाइड डेट्स निकल के नहीं आई है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक कंपनी आपको आती हुई देखने को मिलेगी जिसका नाम है एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स। 4,500 करोड़ का ये पूरा आपको आईपीओ होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, एमक्योर फार्मास्यूटिकल जो आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, जैसे मैंने कहा कि 4,500 करोड़ रुपए का ओवरऑल आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, जो कंप्राइज करेगा फ्रेश इशू 1100 करोड़ रुपए का, और ऑफर करेगा ऑफर फॉर सेल करीबन 3,400 करोड़ का। कंपनी देखिए आईपीओ को क्यों लिस्ट करवा रही है, बिकॉज यहाँ पे कंपनी चाहती है कि उसके जेनरिक्स और फार्मास्यूटिकल जो भी इनका इंग्रेडिएंट्स है, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, उसको यूज़ कर सके और अपनी जो डेट है फ्रेश इशू के जरिए उसको पूरा रीपे कर सके। तो ये दोस्तों आपको एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स आता हुआ देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, जो दूसरा आईपीओ है वो है नाइका। काफ़ी नाम सुना आपको देखने को मिलेगा, नाइका आपको आईपीओ आता हुआ देखने को मिलने वाला है। 4,000 करोड़ का ये आईपीओ रहता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें फ्रेश इशू करीबन 525 करोड़ रुपये का रहता हुआ देखने को मिलेगा, और ऑफर फॉर सेल 3,475 करोड़ का। ये देखिए, फॉर्मर कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होंचो फाल्गुनी नायर, नाइका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है फैशन प्रोडक्ट्स, और एक यूनिकॉर्म है, और सब अच्छी बात क्या है, एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो नाइका दोस्तों जो दूसरी कंपनी हो सकती है यहाँ पे आपको इस महीने अपना आईपीओ आती हुई देखने को मिले, और काफ़ी सुर्खियों में वैसे ही चलता है देखिए नाइका आईपीओ, उसको लेकर काफ़ी पहले से देखिए बातें निकल के आ रही है, और माना जा रहा है कि अक्टूबर में आपको नाइका का आईपीओ आता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगली कंपनी मोबीक्विक, एक और जानी मानी कंपनी मोबीक्विक, दोस्तों आपको अपना आईपीओ आती हुई देखने को मिल सकती है। करीबन 1900 करोड़ का आईपीओ मोबीक्विक लाती हुई आपको देखने को मिलेगी, जिसमें करीबन 1500 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू होगा, और ऑफर फॉर सेल 400 करोड़ का आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी देखिए जो आईपीओ ला रही है उससे देख चाहती है वो अपने डिजिटल वॉलेट को एक्सपांड करना, और अपनी फ्रेंचाइज को और भी दूसरे जगह तक एक्सपांड करना, और अपने मर्चेंट्स और कस्टमर्स तक अपनी वैल्यू को पूरा यहाँ पर पहुँचाने की कोशिश करने वाली है। अगली फ्रेंड जो कंपनी है वो है इक्सिगो। इक्सिगो एक और देखिए जानी मानी कंपनी जो फ्लाइट्स के लिए आपको बुकिंग के लिए काम आती है, ट्रेन्स में तो सब जगह काम आती है इक्सिगो, जाना माना यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, इक्सिगो देखिए यहाँ पे आपको आईपीओ आती हुई देखने को मिल सकती है करीबन 1600 करोड़ रुपए का, और कंप्राइज करेगा करीबन 850 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू, और ऑफर फॉर सेल 750 करोड़ का। तो यहाँ पे ऑफर फॉर सेल आपको कम देखने को मिलेगा और फ्रेश इशू ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा कि देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म, यानी AI बेस्ड प्लेटफॉर्म की कंपनी है, जो फ्लाइट्स बुकिंग, ट्रेन बुकिंग, होटल बुकिंग के लिए आपको मदद करती हुई देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा करीबन 14 साल से ये कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड है, एंड सबसे बड़ी बात कंपनी बहुत जानी मानी है। अगली कंपनी है दोस्तों वो है वेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज़। एक ट्रैवल टेक्नोलॉजीज़ की दोस्तों कंपनी आपको आती हुई देखने को मिलेगी, करीबन 1200 करोड़ रुपये का ये आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें फ्रेश इशू करीबन 400 करोड़ का, एंड ऑफर फॉर सेल 800 करोड़ रुपये का आता हुआ देखने को मिलेगा। दोस्तों जो सर्विसेज है ये आपको पहुँचाता है मार्क क्लाइंट्स को, डेटा सेंटर्स को, जो बेस्ड ऑन AI टेक्नोलॉजीज है। रेड गेन दोस्तों एक सब्सिडरी कंपनी है रेड गेन UK की, और ये यूज़ करने वाली है इस पैसे को अपने डेट को और डिलीवरेज को रीपे करने के लिए। तो इसके लिए दोस्तों रेड गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज कंपनी आपको काम करती हुई देखने को मिलने वाली है, और इसका आईपीओ करीबन 1200 करोड़ रुपए का माना जा रहा है कि आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। तो काफ़ी कंपनीज है लिस्ट पे। अगली कंपनी है फ्रेंड्स स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस एक और दोस्तों जानी मानी कंपनी, और अभी तो काफ़ी फोकस में थी, बिकॉज जिस तरह से कोविड फैला था काफ़ी ज़्यादा दोस्तों उनका कंपनी का बिज़नेस बढ़ा भी सही, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खबरें भी ये निकल के आई कि कंपनी के बिज़नेस से ज़्यादा कंपनी के इंश्योरेंस के क्लेम निकल के आ रहे हैं, और इसीलिए दोस्तों ये आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिलने वाला है।
3,000 करोड़ का आईपीओ रहेगा, जो उसमें 2,000 करोड़ फ्रेश इशू और 1,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होगा। इसमें भी ओएफएस कम रहने वाला है। स्टार हेल्थ, जैसे कि मैंने कहा कि लीडिंग हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर है और बैक बाय मार्क इन्वेस्टर लाइक राकेश झुंझुनवाला एंड आपको वेस्ट ब्रिज कैपिटल के द्वारा देखिए बैक की हुई कंपनी है। तो ये कंपनी भी देखिए आपको यहाँ पे लिस्ट होती हुई देखने को मिलेगी। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस करीबन 3,000 करोड़ रुपये का आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगली कंपनी जो है वो है अरोहन फाइनेंशियल्स। अरोहन फाइनेंशियल्स दोस्तों एक NBFC कंपनी है जो माइक्रो फाइनेंस के अंदर काम करती हुई देखने को मिलती है और एक अनपेनिट्रेटेड सेगमेंट्स के अंदर काम करती है मार्केट के अंदर। करीबन 1,800 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ रहता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें 950 करोड़ रुपये का तो फ्रेश इशू एंड बाकी का दोस्तों यानी ओएफएस करीबन 850 करोड़ का आता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी आईपीओ इसलिए आ रही है ताकि अपने कैपिटल एडिक्वेसी को बूस्ट कर सके, तो इसलिए दोस्तों अरहन फाइनेंशियल्स आपको आता हुआ देखने को मिलने वाला है। अगली कंपनी है फ्रेंड्स नॉर्दर्न आर्क कैपिटल। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल एक और एक NBFC कंपनी है जो फंड रेजिंग करना चाह रही है ताकि अपने कैपिटल एडिक्वेसी को बूस्ट कर सके और अपनी कंपनी को लेंडेबल रिसोर्सेज है जिसको एक्सपांड कर सके। 1,800 करोड़ का आईपीओ आपको होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें फ्रेश इशू 300 करोड़ का एंड ओएफएस 1,500 करोड़ रुपये का रहता हुआ देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इतने सारे आईपीओ आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कौन से आईपीओ के लिए वेट कर रहे हैं। अगली कंपनी है फ्रेंड्स उत्कृष्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। उत्कृष्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिए ये कंपनी आपको देखने को मिलने वाली है, करीबन 1,350 करोड़ रुपये का आईपीओ लाएगी, जिसमें 700 करोड़ का फ्रेश इशू और 650 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होगा। ये कंपनी दोस्तों आपको एक SFB कंपनी यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपनी देखने को मिलती है जो वाराणसी से बिलोंग करती है और एक वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इनका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बिहार बेल्ट में। आईपीओ क्यों लाने वाली, ताकि अपने कैपिटल एडिक्वेसी को बूस्ट कर सके। अगली कंपनी है फ्रेंड्स फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। एक और स्मॉल फाइनेंस बैंक की कंपनी आपको आती हुई देखने को मिलेगी जो करीबन 1,330 करोड़ रुपये का यहाँ पे अपना जुटाती हुई देखने को मिलने वाली है। पैसा 1,330 करोड़ ही दोस्तों पूरा फ्रेश इशू के जरिए आपको जुटाती हुई नजर आएगी और करीबन 1,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल लाएगी। 330 करोड़ रुपये का यहाँ पे फ्रेश इशू होगा, ये थोड़ा सा गलत दे रखा है। स्मॉल फाइनेंस बैंक दोस्तों ये आपको प्रोवाइड करेगा फ्रेश इशू कंपोनेंट का और ऑगमेंट करेगा Tier 1 कैपिटल का, ताकि इम्प्रूव कर सके अपने लेंडेबल रिसोर्स को। अगली कंपनी है फ्रेंड्स पेना सीमेंट, जिसे नेम सजेस्ट करता है सीमेंट कंपनी आपको देखने को मिलेगी। हैदराबाद बेस्ड सीमेंट कंपनी है, करीबन 1,550 करोड़ रुपये का आईपीओ है, 1,300 करोड़ रुपये का तो देखिए फ्रेश इशू और 250 करोड़ का ओएफएस देखने को मिलेगा। हैदराबाद बेस्ड सीमेंट कंपनी है फ्रेंड्स, जो अपने रिड्यूस करने वाली डेट और एक्सपांशन करने वाली है। अगली कंपनी है फ्रेंड्स स्टरलाइट पावर टेक्नोलॉजीज़। एक और देखिए जानी मानी कंपनी जो उसका काफ़ी ज़्यादा नाम चल रहा है स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन का। 1,250 रुपये की देखिए करोड़ का आईपीओ आपको लाती हुई देखने को मिलेगी, जिसमें करीबन यहाँ पे देखने को मिलेगा जो पूरा पार्ट होगा वो वेदांता ग्रुप का होगा। स्टरलाइट पावर को देखिए ओन और मैनेज करता है पावर ट्रांसमिशन एसेट, ताकि अपने स्प्रेड कर सके अक्रॉस इंडिया और ब्राज़ील में। फ्रेंड्स आखिरी जो कंपनी आपको आती हुई देखने को मिलेगी उसका नाम है CMS इन्फो सिस्टम्स। 2,000 करोड़ रुपये का आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। ओएफएस रहने वाला है, 100% ओनर है देखिए ये सियोन इन्वेस्टमेंट का, जो यहाँ पे आपको मोनेटाइज करती हुई देखने को मिलती है, अपनी होल्डिंग्स को यहाँ पे करती हुई देखने को मिलेगी स्टॉक मार्केट के अंदर। CMS आपको कैश मैनेजमेंट सर्विस का काम करता हुआ देखने को मिलता है एंड प्रीडोमिनेंटली देखिए ATM मैनेजमेंट सर्विसेज का भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप कौन सा आईपीओ का वेट कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।